क्यों? अपना माल है ना एकदम साफ सुथरा, देखो अपना है ना एकदम साफ सुथरा, इधर लगा है मंडी। एक पौधे पे 30-30, 35-35 किलो चाहिए, बोलो। ऐसा माल कहाँ मिलेगा साफ सुथरा भाई, बगैर टिपकी का ऐसा चमक वाला माल किधर है? अभी क्या है कि मंडियों में टिपकी का माल बहुत ज्यादा जा रहा है, तो बाकी साफ सुथरी अभी कोई रेट नहीं मिल रहा, तो सब जगह 40-50, 40-50, 30-35, 40 में माल ले रहे हैं, और साफ सुथरा माल का कोई रेट ला नहीं रहा है, तो दे भी नहीं रहे हैं, उसमें से साफ सुथरा निकाल के बेच रहे हैं। तो भाई लोगों ऐसा है कि ये कलर और साइज जो है वो राजस्थान में आ सकता है, और ये कलर आ सकता है, यदि राजस्थान के लोग थोड़ा थिनिंग पे ध्यान देंगे तो आएगा। तो आप जो है कुछ ऐसे फंजीसाइड या बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करें बारिश के समय, जो अनकन्वेंशनल हो, मतलब आपको सस्ते भी मिलें और लोकलाइज हो जाए। जैसे आप देसी दारू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तांबा में तैयार की हुई छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो के फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या बारिश में भी आप स्प्रे करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी? तो बारिश में फंजीसाइड जाना चाहिए, बारिश गिर रही है या बारिश खत्म हुई है, पत्तियों पे मान लो नमी भी है, तो भी आपके प्लांट पार्ट जो है उस पे जो स्पोर्स आएंगे फंगस के, उनको खत्म करने के लिए या उनका इन्फेक्शन नहीं हो तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी फंजीसाइड महंगे होते हैं। आप सोचते हो कि बारिश के समय स्प्रे करूं कि नहीं करूं, पत्तियों में वो पेनिट्रेट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, तो थोड़ा फार्मर घबरा जाता है। तो उस समय आप देसी दारू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो जो भी ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास बेसिलस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रो करके। तो उस समय क्या रहता है कि बारिश भी गिर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर नमी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अनकन्वेंशनल या आप कॉन्टैक्ट वाले फंजीसाइड मान लो केमिकल पे जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये और फार्म का सैनिटेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा फार्मरों को राजस्थान में, तब जाके ये जो टिपकी प्लेग या जो भी बोल रहे हो आप, कोलोटोट्रिकम सर्कोस्पोरा के टाइप, कोलोटोट्रिकम के भी टाइप, उनसे बचना जरूरी हो गया। इस साल बहुत ज़्यादा फार्मर नुकसान में हैं और काफ़ी कुछ पैसा उनके स्प्रे में और फंजीसाइड में लग चुका है और रिजल्ट कुछ मिला नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि सैनिटेशन ही बचाव है, और लगातार जो बारिश के मौसम में भी स्प्रे करने का जो जज्बा है वो आपको बचाएगा। हम लोगों ने यही किया, ऐसा नहीं है कि हमारे को यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन बारिश जैसे ही निकली हमने स्प्रे को छोड़ा नहीं। फार्मर की गलती ये रहती है कि वो कहता है बारिश ख़त्म हुई है अब जाके मैं फंजीसाइड लाऊंगा, किसने क्या किया है, दो दिन दुकानदार लेट कर देता है, या उसका ट्रैक्टर वाला लेट कर देता है, या उसका फार्मर बोलता है पानी अभी सूखा नहीं है, हवा चल रही है, ये हो रहा है, बादल दिख रहे हैं। तो भाई टिपकी वाले पार्ट में आपको चाहे बादल दिखे चाहे घंटे भर बाद बारिश आ जाए, कुछ ऐसे स्प्रे आपको लगातार लेने पड़ेंगे, चाहे आप कॉन्टैक्ट लें या जो मैंने तरीका बताया। आनंद शर्मा हमारे साथ में है, विशाल जी ये भी महाराष्ट्र के सफल किसान है, तेलिए पे इन्होंने सफलता पाई है, NRCP में भी इनका काफ़ी
आपको उनकी जो सक्सेस स्टोरी की बुक है उनमें मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आनंद शर्मा हिमाडा एग्री डेवलपर से विशाल जी के साथ में।